आखिरकार ये चीज़ है क्या, हम जाके देखते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा दोस्तों, वीडियो को स्किप ना करें दोस्तों, वीडियो बने रहेगा और अभी आपको हम दिखाएंगे ये चीज़ है क्या। दोस्तों हम अभी पहुंचने वाले हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा। तो हम आए हैं बड़वेली गांव में, जो कि हम आ चुके हैं। तो अभी हम आप यहाँ आके दिखाएंगे आखिरकार जीव है क्या। तो थोड़ा वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को स्किप ना करें ताकि हम दिखाएंगे आपको। तो दोस्तों बने रहेगा वीडियो में, तो हम दिखाते हैं अभी यहाँ पे ही क्या। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ काफ़ी बिग साइज का कोबरा सांप है जो साइड में ही है, वो लगभग 4 से 5 फीट का सांप है। तो दोस्तों हम इसे देखते हैं बाहर की ओर भाग नहीं जाए। बाहर जाके देखा तो दोस्तों इसे तो करंट लग चुका था। तो आज हम तो सांप के लिए आए थे दोस्तों, ये सांप तो डेड हो चुकी है, ये क्या वीडियो में देख सकते हो, इसे करंट लगती है, ये करंट से मर चुका है सांप, ये सांप करंट से मर चुका है दोस्तों, इस सांप की मौत हो चुकी है। दोस्तों इसमें एक बात ये, इस सांप को मैंने छुआ नहीं, अगर मैं छू लेता तो हो सकता है करंट मुझे भी लग सकता था, क्योंकि अगर सांप को करंट लगा तो सांप में करंट था तो मुझे भी करंट लग सकता है, वो अभी भी लाइट में चिपका हुआ है। ये स्नेक रेस्क्यूअर के लिए ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए, जो भी सर्प मित्र मेरी जो वीडियो देख रहे हैं उन सभी को, सांप अगर रेस्क्यू कर रहे हैं उस समय लाइट का भी ध्यान रखें। तो आप देख सकते हो ये जस्ट अभी चिपका हुआ है लाइट में, जो कि मैं वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ, ये लाइट से चिपका हुआ जबकि यहाँ की जो कट है, जो वायर खुले थे इसके कारण ये यहाँ से चिपक गया। हो सकता है इधर से भागने के लिए जा रहा था, चूहा मेंढक चिपकल की तलाश में घर के अंदर घुस जाते हैं सांप। तो अभी हम इसको बाहर निकालेंगे और फिर इस सांप को जलाना पड़ेगा। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, अभी हम इसको बाहर निकालेंगे। कि दोस्तों मैं जो रेस्क्यू की वीडियो दिखाता हूँ वो लाइव दिखाता हूँ, ताकि हम सांप को रेस्क्यू करते हैं, चाहे वो सांप जहरीला हुआ है बिना जहर वाला हुआ, हम उनकी जानकारी देते हैं लोगों के फायदेमंद के लिए, ताकि सांप काटे तो इंसानों की मौत ना हो। क्योंकि अधिकांश लोग ओझागुनिया बाबा तांत्रिक के पास चले जाते हैं, तो मैंने जो वीडियो में पहले बताया था जो बिना जहर वाला सांप काटता है बाबा तांत्रिक के पास चले जाते हैं, जहाँ के लोग उन ताती बंधवा लेते हैं। मैंने जो वीडियो में पहले बताया था कि मुझे कई बार सांप काटे हैं, जो सांप काटे वो टोटली बिना जहर वाले सांप थे, उसमें किसी प्रकार का पॉइजन नहीं रहता, किसी प्रकार का जहर नहीं रहता। और अगर कोई सांप अगर ज़ोर से काटता है तो उससे क्या हल्का फुल्का बैक्टीरिया जैसे घाव वगैरह हो सकता, कोई सा भी सांप हुआ बिना जहर वाला भी सांप हुआ तो उससे क्या हल्का फुल्का बैक्टीरिया हो सकता, उसके लिए हॉस्पिटल जाना ज़रूरी है। दोस्तों हम आए थे एक सांप को रेस्क्यू करने के लिए, तो आप देख सकते हो इसे करंट काफ़ी ज़ोर से लगा इसके कारण इसकी मौत होती है, तो काफ़ी बिग साइज का कोबरा सांप है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं भाई साहब ने हमें कॉल किया था, तो कौन सा ये वडवेली से, वडवेली के ऊपर सांप को रेस्क्यू करने के लिए, तो इसे करंट के कारण इसकी मौत हो गई। और जो अगर जहरीला सांप काटे आपको सरकारी हॉस्पिटल जहाँ स्नेक एंटीवेनम मिलता है वहाँ जाके इलाज करवाना पड़ेगा, और झाड़ फूक देसी इलाज के चक्कर में रहोगे तो मारे जाओगे, जो कि आप इस सांप को देख ही सकते हो किस तरह करंट से चिपक गया, जो पूरी तरह से कड़क हो चुका है और मुंह था जो वो जल चुका है। आया होगा चूहा मेंढक चिपकली की तलाश में आ जाते हैं सांप, क्योंकि जहाँ खेत हरियाली थी वहाँ लोगों ने अपने अपने घर बना लिए, ये इधर उधर भोजन की तलाश में घर में आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, सांप तो ऑलरेडी मर चुका है, जिंदा होता तो हम सुरक्षित जंगल में जाके इसे छोड़ देते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सांप कैसा भी हो, बिना जहर वाला हुआ या जहरीला हो, एक बिना जानकारी से सांप को पकड़ने की गलती भी नहीं करें। तो इसकी हाइट का भी लंबा सांप है बिग साइज का, जो हम इसे इंग्लिश में कोबरा बोलते हैं और हिंदी में नाग सांप बोलते हैं, जो फनाधारी सांप होता है।
दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो शेयर करें और सब्सक्राइबर भी करें ताकि सांपों से रिलेटेड जानकारी आप सभी दर्शकों तक मिलती रहेगी और हम नई नई वीडियो बहुत जल्द अपलोड करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत ही ख़तरनाक रेस्क्यू था आज का हमारा, ये मेरा लाइफ का पहला रेस्क्यू था। हम यहाँ पे आ चुके हैं इसे जलाने के लिए, तो इसका अंतिम संस्कार कर देंगे। बाकी आम लोगों की तरह मैंने देखा है कई बार जो सांप को मार देते हैं तो डायरेक्टली जहाँ जंगल रहता है उधर फेंक के आ जाते हैं। तो सांपों को मारिए ना, और सांप को अगर कोई डर के मारे मार देता है तो आप सांप को ऐसे ही फेंके ना, उसे जला दीजिए। ठीक है दोस्तों, सांप कैसा भी हो, बिना जहर वाला हुआ या जहरीला हुआ, एक बिना जानकारी से सांप को पकड़ने की गलती भी नहीं करें, क्योंकि अभी जो मैंने इसके पहले जो वीडियो अपलोड किया था उसमें आपने देखा ही एक सर्प मित्र की मौत हो चुकी है। तो दोस्तों सांपों का हैंडलिंग स्टिक और नॉलेज और काफ़ी सारी जानकारी होनी चाहिए। जैसे जैसे वीडियो बनाता जाऊँ वैसे वैसे सांपों के बारे में पूरी तरह से बताता जाऊँगा कि किस प्रकार सांपों को पकड़ना चाहिए, किस तरह हैंडलिंग करना चाहिए, कैसा सांप, कौन सा जहरीला, कौन सा बिना जहर वाला है। ठीक है दोस्तों, अभी इसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूँगा बहुत जल्द किसी और जीव की जान बचाते हुए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों। रेस्क्यू तो बहुत ही खतरनाक था, जो अपने वीडियो में देखा ही, इसमें बताने की कोई बात ही नहीं बनती है। नमस्कार दोस्तों, दोस्तों मैं आज एक बात बताना चाहता हूँ सर्प मित्र के लिए। आज जब मैं सांप को रेस्क्यू करने के लिए गया था तो वहाँ पे सांप तो ऑलरेडी मर चुका था, तो जो सांप चिपका हुआ था वो करंट में चिपका हुआ था। दोस्तों हो सकता था उस समय अगर मैं सांप को जल्दबाजी में अगर रेस्क्यू करता, अगर उसे पकड़ता सांप को, तो मुझे करंट जरूर लगता, क्योंकि तार तो वहाँ पे खुले ही थी। अगर इंसान में करंट आ सकता है तो सांप में क्यों करंट नहीं जाएगा, करंट तो सांप में भी था। अगर उस समय मैं सांप को जैसे टच भी कर लेता तो हो सकता था करंट मुझे भी लग सकता था, क्योंकि सांप गीला सांप था वो। दोस्तों इसीलिए अगर कोई से भी जीव या कोई से भी सांप या कुछ भी चीज़ों को हम रेस्क्यू करने या कुछ बचाने के लिए जाते हैं तो दोस्तों सभी चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि कुछ खतरा हो भी सकता है। दोस्तों मैंने भी आपको जैसे बताया था कि सांप करंट से ऑलरेडी मर चुका था और लाइट चालू थी, मैंने पहले ही वहाँ पे जाके देखा था, जबकि उन लोगों ने दरवाज़ा नाइट को ही बंद कर दिया था, रात को ही, तो वो जाके नहीं देख पाए बाहर की ओर। मैं वहाँ पे गया, मुझे सिर्फ कॉल किया था जो कि आप सांप बाहर की ओर देख रहे हो, तो यहाँ सांप लटक रहा था, तो मैंने सोचा चले बाहर जाके जगह देख लो ताकि सांप को हम जैसे ही पकड़े और सामने वो भागने की कोशिश करेगा। तो उसके हिसाब से मैं पीछे की साइड गया, तो पीछे की साइड जाके देखा तो वहाँ से सांप ऑलरेडी मर चुका था, जो कि करंट में आप वीडियो में देख ही सकते हो, जो कि करंट से मर चुका था। तो दोस्तों मैं ये बात बताना चाहता हूँ आपको थ्रू कि सांप जैसे कोई भी जीव को हम रेस्क्यू करने के लिए जाते हैं, अगर मान लो वहाँ पे खुले तार वगैरह कुछ चीज़ है तो एक बार उन्हें ज़रूर देख लें, क्योंकि शायद आज का दिन मेरा आखिरी दिन होता, क्योंकि करंट मुझे लग सकता था और वो जो लाइट थी वो बड़ी लाइट की वायर थे, जो हम बड़ी बड़ी मोटर वगैरह चलाते हैं वो उसकी लाइट थी, वो घर की लाइट नहीं थी, वो काफ़ी मात्रा में आल भी हो रही थी, बरसात का समय चल रहा है और खतरा हो भी सकता था। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें और चैनल में जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम दोस्तों सांपों की जानकारी हर वीडियो में देते ही रहते हैं। दोस्तों मेरे
जो वीडियो पे व्यूअर्स कम आ रहे हैं, तो इसलिए दोस्तों वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ दोस्तों, क्योंकि व्यूअर्स बहुत कम आ रहे हैं, इसलिए दोस्तों वीडियो बनाने की इच्छा नहीं होती, बहुत कम वीडियो बनाता हूँ मैं। ठीक है, आज का वीडियो बहुत ही खतरनाक था और लाइफ का पहला रिस्क था। ठीक है दोस्तों, और एक छोटी सी जानकारी हो रहे हैं, जो भी अगर सांप को रेस्क्यू करें तो सोच समझ के रेस्क्यू करें, क्योंकि सांप जहरीले होते हैं, ये जरा सी चुप के कारण मौत का कारण बन सकता है। ये तो आप भी जानते हो, ये मैं भी जानता हूँ, क्योंकि कभी कभार हॉस्पिटल में भी इलाज नहीं हो पाता। एक और बात बताता हूँ हॉस्पिटल के जरिए, क्योंकि हॉस्पिटल में भी अगर सर्प मित्र हो तो हॉस्पिटल में भी जाके देखना है हमें कि किस हॉस्पिटल में स्नेक एंटीवेनम से जान बचाई जाती है और कैसे बचते हैं, क्योंकि कभी कभार हॉस्पिटल में भी जान नहीं बचती है। अभी हमारे यहाँ के जो केस हुए थे वो लगभग 10 से 12 केस हो गए थे अभी 6 महीने के अंदर अंदर, तो वहाँ पे ज़्यादा नहीं तो 4 से 5 लोगों की मौत हो चुकी है। तो हॉस्पिटल में कभी कभार इलाज नहीं हो पाता, अगर होता है तो कोई देरी से आता उसके कारण मौत हो जाती है। इसलिए मैं कहता हूँ पहले सर्प मित्र जो भी है पहले हॉस्पिटल जाके अच्छा सुन ले, ताकि वहाँ पे स्नेक एंटीवेनम से अपनी जान बचाई जाती है, और थोड़ी डॉक्टर से सलाह ले ले इस बारे में। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई तो लाइक करना ना भूलें दोस्तों, ताकि अगली नेक्स्ट वीडियो बनाने का हौसला बहुत जल्द मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा।